अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सब भाई मामू जान सब लोग कह रहे थे कि हम लोग ने स्विमिंग पूल में नहाना है, तो मैंने सोचा चलो कुछ न्यू करते हैं। आज हम लोग स्विमिंग पूल बना रहे हैं ट्राली में। ट्राली हम ले आए हैं, सब बच्चे ऊपर चढ़ गए हैं ट्राली के ऊपर, ट्रैक्टर भी आ गया। अभी से लेके चलते हैं अपने खेतों में, अपने न्यू घर पे, और उधर जाके फिर ट्यूबवेल चलाएंगे और इसमें पानी भरेंगे, फुल स्विमिंग पूल बनाएंगे, फुल मजा आएगा। तो अभी फिलहाल ना सब लोग जा रहे हैं। ये देखें जी, ये ट्राली है और इधर हम लोग बनाएंगे स्विमिंग पूल, और पीछे कुछ गाड़ लगा लेंगे पानी रोकने के लिए, और फिर ये सारे के सारे ट्राली को पानी में भरेंगे और फिर इधर बन जाएगा हमारा स्विमिंग पूल और फिर हम लोग नहाएंगे। चलें फिर। ट्राली भी हम लोगों ने मांगी है, ट्रैक्टर भी हम लोगों ने मांगा है, तो दोनों में से कोई भी चीज अपनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जुगाड़ लगा के जा रहे हैं नहाने। अब मुझे ले जाओ। आ गया। सब भाई बहुत ज्यादा खुश है, नहीं करो और नीचे रहो, गिर जाओ किधर हो। मामू आगे बैठे हुए हैं। सहे अब अबू जान वो पीछे कैरेट पे भी आ रहे हैं, राजे पे। क्या हुआ, आप क्यों उतर गए हैं? उधर सिर बचता है। किधर, किसके नाल? ट्रैक्टर के साथ। ट्रैक्टर के साथ सिर बचता है, छतरी, ट्रैक्टर की छतरी के साथ सिर बचता है। अच्छा, ऊपर में मारो छलांग, मार दो छलांग। पानी कितना कितना है? पानी आप डूब जाओगे। वो सामने हमारा घर है जो न्यू बन रहा है, तो उसके पास जाके हम लोग आज स्विमिंग पूल बनाएंगे। हम लोग अपने न्यू घर में पहुंच गए हैं, वो सामने हमारा ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के पास ट्राली को लगाएंगे। हम लोग ने ट्राली को ट्यूबवेल के पास खड़ा कर दिया है। अभी सबसे पहले ना हमें ट्यूबवेल को स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्यूबवेल को तकरीबन 3-4 महीने हो गए स्टार्ट नहीं किया, तो वो भी बहुत मुश्किल से स्टार्ट होगा। अब उधर मोटर लगा आ रहे हैं सोलर वाली। ये रहा जी हमारा ट्यूबवेल, जिसको हम लोग आज स्टार्ट करके और स्विमिंग पूल में पानी भरेंगे। ट्राली ट्यूबवेल के पास आ गई है और अभी ट्रैक्टर जा रहा है वापस। इसके अंदर हमें छापर भी डालना पड़ेगा ताकि पानी इधर उधर लीक ना हो। जिस ट्राली में हम लोग आज स्विमिंग पूल बनाने लगे ना, ये ट्राली बहुत ही ज्यादा पुरानी है, इसलिए ना इसके अंदर सुराख भी हो गए हैं, ये देखें। तो अभी ये सारे सुराख बंद करने पड़ेंगे ताकि हमारा पानी ना निकले। लाएं, इसके ऊपर भी छापर डालेंगे, लेकिन फिलहाल जरा ना थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना है। हम लोगों ने पहले वो सुराख बंद किए हैं, अभी इसके ऊपर चटाई बिछाने लगे हैं ताकि कोई भी किनारा लग के तो छापर फटे ना, तो इसलिए नीचे पहले चटाई जाएगी, उसके बाद फिर ऊपर छापर डालेंगे। 3 साइडें तो कवर है अच्छी तरह, इतनी इतनी, लेकिन ये जो पीछे वाली साइड है ना, ये तो आधे से भी कम है, तो इसको कवर करने के लिए ना इधर पहले हम लोग ईंटे लगाएंगे। ईंटे लगाने के बाद हम लोग इसके अंदर पानी भरेंगे। वो जो ईंटे इधर लगानी है, वो सहेब मामू जान दाऊद जिधर सारे हैं ना, ये सारे ईंटे इकट्ठी करते हैं। मैं और अबू चलते हैं बाजार, वहाँ से जाकर छापड़ लेकर आते हैं। हाँ अबू जी। हाँ जी। ट्यूबवेल के आगे वो जो पाइप होता है, हाँ जी, वो जिसके जरिए पानी जाता है, हाँ जी, वो ले आए या फिर बाल्टियों के साथ भरना है? वो ले आते हैं, पाइप ले आते हैं, छोटा सा ले आते हैं, इधर लगाएंगे। 15 फुट का होगा तो बहुत ज्यादा। हाँ, 15 फुट का होगा, सीधा ट्राली के अंदर पानी। सहेब लोगों को काम बता दिया जो करना है, अभी मैं और अबू जान जा रहे हैं बाजार, जाके चीजें लेकर आते हैं जो चाहिए। भाई सहेब लोग छापर लेने चले गए हैं और अब हम इटे लेकर आने लगे हैं यहाँ। Thank you.
ये देखे कितनी सारी ईटे हम ले आए हैं, तकरीबन 50 से ऊपर मैं लेकर आया हूँ और बाकी ये सब लेकर आए, मामू जी भी लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीब भाई ट्यूबवेल के आगे लगाने वाला शापर चाहिए, वो बड़ा वाला शापर चेक कर लो तुमसे चाहिए। ओके सर। अबू जान पाइप चेक कर रहे हैं ट्यूबवेल के साथ जो लगाना है। ट्राली में डालने के लिए जो छापर लिया ना 1328 रुपए का हुआ है। छापर वगैरह ले लिया, अभी चलते हैं अपने डेरे। ट्राली के जो पीछे वाली साइड पे ईंटें लगानी है ना, वो सारी की सारी ट्राली के पास ले गए हैं सहेब लोग। अभी ईंटें उठा के ना यहाँ पर लगाते हैं इस साइड पे ना। अबू जान रस्सी बांध रहे हैं, मामू जान ऊपर चढ़ गए हैं, अभी दो लोग ईंटें पकड़ाने लगे हैं तो मामू जान लगाएंगे। दीवार बन गई है पीछे। अभी ये एक ना पुराना छापर हमारे पास पड़ा हुआ है, इसे पहले डाल लेते हैं, उसके बाद फिर ये न्यू वाला डालेंगे। अभी वो वाला छापर काटते हैं और इसके ऊपर डालते हैं। इसको काटना इसलिए है क्योंकि ये डबल होता है ना, ये देखें ये डबल है, तो अभी इसको काट के सिंगल करेंगे फिर इसके ऊपर पूरा आएगा। अभी ये भरा हो जाएगा ना, ये देखिए इसको काटा है, अभी ये देखिए कितना भरा हो गया। हवा की वजह से ना ये रुक नहीं रहा, अभी अबू जान मोटर चलाने गए हैं, इसके अंदर पानी थोड़ा सा डालते हैं और फिर ये नहीं उड़ेगा। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आप याद धो लो। पानी गर्म आ रहा है क्योंकि पाइप धूप में पड़ा हुआ था, तो अभी फुल गर्म पानी आ रहा है। अभी वो देखे वो ऊपर रुक नहीं रहा छापर ना हवा की वजह से, अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डलेगा ना फिर ये हो जाएगा सेट। इसको पकड़ना, बच गए हो। किनारों पे ना ईटे रख रहे हैं, हवा ज्यादा तेज है तो पानी वाला पाइप इसके अंदर रख दिया है, इसके साथ भी थोड़ा थोड़ा पानी भर जाएगा और उतनी देर में हम लोग ट्यूबवेल स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले ये पाइप इसलिए रखा है अगर ट्यूबवेल ना स्टार्ट हुआ तो पानी इसके अंदर भर जाए जल्दी। स्विमिंग पूल लीक हो गया जी, ये देखें यहाँ से लीक हो गया स्विमिंग पूल। अगर ट्यूबवेल चल गया ना तो फिर इतने से लीक की कोई बात नहीं क्योंकि ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा होता है, अगर ट्यूबवेल ना चला तो फिर पीछे से आ जाएगा, इधर से नीचे गिरी जाएगा। काफ़ी देर बाद ट्यूबवेल को स्टार्ट करने लगे हैं तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हम जलील होंगे उसके बाद ये ट्यूबवेल चलेगा। अभी तो उधर अपना शौक पूरा कर रहा है बस। अभी देखा आपने फुल जोर लगा दिया लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर से बंद हो गया, फिर से ट्राई करने लगे भाई जहेब। ट्यूबवेल स्टार्ट कर दिया, अभी इसके अंदर पानी डालना ताकि अबू जान नीचे से वो क्या कहते हैं पंजाबी में सट लगाएंगे ना इसको, फिर पानी बाहर आएगा। तो अभी पहले इसके अंदर पानी डालते हैं, लाओ इधर। इस नाल के अंदर पानी भर गया, पानी आना स्टार्ट हो गया जी, ये आ गया पानी। ओ
घोसला था किसी चिड़िया का। अभी ना पाइप से रहने लगे इसके आगे और फिर सीधा इसके अंदर पानी। इधर देखे कितना पानी बाहर निकल आया। स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए ना पाइप सीधा ना ना हो तो स्विमिंग पूल में पानी नहीं आता। तो अभी सबने पाइप को उठा के रखा है। स्विमिंग पूल में पानी आना स्टार्ट हो गया लेकिन ये देखे कैसे सबने पीछे से पाइप उठा के रखा हुआ है। उसके अलावा पीछे से देखे पानी भर गया उधर खुई में। सबने जोर लगा के उठाया हुआ है। 10 तकरीबन 5 मिनट लगेंगे स्विमिंग पूल फुल हो जाएगा पानी का इंशाल्लाह। ये देखे ये पानी आ रहा है स्विमिंग पूल में माशाल्लाह। उठा के जरा ध्यान से ठीक है। पीछे से वो देखे हब्बू जान फुल भी गए हैं। वे पाइप खोल जरा। पाइप भर गया फुल पानी का। पाइप खोल। ये देखे पानी माशाल्लाह फुल जोरों से आ रहा है। ओए पाइप भर गया फुल पानी का। पानी देखे माशाल्लाह फुल जोर से पानी आ रहा है। उठाओ जरा इसको उठा के रखो जरा उठा के हाँ ऐसे सीधा करो। उठाओ माशाल्लाह आधे से ज्यादा भर गया हमारा स्विमिंग पूल। पानी आ रहा फुल जोर से। 5 मिनट भी नहीं लगे माशाल्लाह। कौन सा पकड़ाओ ये वाला पैर पकड़ाओ। बस ये थोड़ी सी जगह रहती है फिर हम लोग बंद कर देंगे ट्यूबवेल को माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी स्विमिंग पूल तकरीबन हमारा फुल भर गया। नहीं अभी इकट्ठे नहाएंगे इकट्ठे। ये देखे माशाल्लाह कितना पानी आ गया। बंद कर दे स्विमिंग पूल भर गया। बंद कर दो आजो। वे माशाल्लाह जी हमारा स्विमिंग पूल पूरा भर गया पानी का। ट्यूबवेल चलाया तकरीबन 5 मिनट भी पूरे नहीं लगे। सबने मेहनत बहुत की है पानी भरने के लिए। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और फुल स्विमिंग पूल भर गया। आ जाओ जैसे जैसे नहाना आ जाओ। अबू जान ने तो वैसे ही नहा लिया। ये मेरे पैसे पकड़ लें जरा। आ जाए जले पैसे तो पकड़े। आ जाओ स्विमिंग पूल नीचे से देखे लीक हो गया। उधर से भी फुल जोरों से टूटी चल रही है। इधर से भी दोनों तरफ से सब लोग नहा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। कोई अभी नहीं ये पकड़ो ये पैसे नीचे छोड़ कर आओ। ओ मेरा मामू भी आ गया। पानी जाया नहीं करना सीधा चारे में पानी जाएगा। फेंक दो हाँ सही है इसको भी नीचे फेंक दो। स्विमिंग पूल बन गया सब लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। ठंडे पानी में नहाना चाहिए। मजे और सब लोग नहा रहे हैं और नीचे चेक करें फुल जोर से पानी आ रहा है नीचे। आ रहा हूँ मैं। टाइम मुख चला रही देखो पुल वाला पुल खतरे में है। आप किधर आ रहे हो? ठंड बहुत ज्यादा है। मैं भी आ रहा हूँ। आए मजे।
अब मुझे मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इधर ज्यादा मजा आया था या उधर ट्यूबवेल के नीचे? अपने खेतों में नहाने का बहुत ज्यादा मजा। मेरे कहने का मतलब है स्विमिंग पूल में ज्यादा मजा आया या जब पानी भर रहे थे उधर ट्यूबवेल के नीचे? उधर को मजा आ रहा था, उधर तो हम फंसे हुए थे। कोई चीज नहीं होता, नहाओ फिर चलते। कोई ठंडा पानी है गर्मी दूर हुई है कि नहीं? दूर हो गई है, सर्दी लगने लग गई है, हवा भी आ गई है तेज। सारा पानी नीचे निकल गया ये देखे, क्योंकि छापर ऊपर से हट गया था, बच्चों ने नहा धो उठा दिया, तो अभी देखे कितनी तेज पानी जा रहा है। ये देखे इधर से भी और इधर से भी, ये देखे हर तरफ से पानी पानी हो गया। बस रात के हैं, रात के हैं, नहा नहा कर अनीब और नहाना है, बस हो गई है, ठंड लग रही है सबको। और अभी हम लोग पानी निकालने लगे हैं ट्राली से, पानी देखे कितना नीचे चला गया इसकी वजह से। ये वाला ना यहाँ से पानी ज्यादा आ रहा है, यहाँ से और उस तरफ से। ये देखे ये जो हमने दीवार बनाई थी ना, अब जान के गिराने से भी नीचे नहीं गिर रही। ओ ये देखे ऐसी दीवार हमने बना दिया मैं और मामू जान ने, ऐसी बात है मामू जी? सही है, आगे सारे कपड़े गंदे हो गए। ओए ये देखो मेरे मुंह का हाल, छोड़ दो छोड़ दो सारी, ये देखे ओए चलो नीचे नहा लो जी, जिसने चलो चलो जी छोड़ दो भाई। डबल मजा डबल मजा, चलो सारा छुट्टी करो चलो। ये देखें क्या हाल हो गया, इधर देखें सारा पानी इधर चला गया। वीडियो बनाने लगा आप केरे उठा के रखें। नहीं 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 ऐसी रख दी, चलें जाने देगा। ट्राली इधर ही खड़ी है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं, कपड़े शपड़े चेंज करके फिर आएंगे, ट्रैक्टर के साथ लगा के इसको घर ले जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको मजा आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, अगर वीडियो मजेदार लगी है तो। इसी के साथ में दीजिए इजाजत, सब खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, उनको कहीं सब्सक्राइब करें।